नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक एडमिशन फॉर्म क्रिएट किया था और उसका डिजाइनिंग किए थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी एडमिशन फॉर्म में कोडिंग करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, ये विजुअल फॉक्स प्रो का स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का 5 नंबर वीडियो है। तो दोस्तों, अगर पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जा करके उन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग एडमिशन फॉर्म को मॉडिफाई करेंगे। तो यहां पर हम लोग कमांड लिखेंगे मोडी फॉर्म, उसके बाद एडमिशन और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहां पर जो है हमारा फॉर्म आ चुका है। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग सबसे पहले एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहां पर मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम लोग फॉर्म में। यहाँ पर आपको मेनू बार में फॉर्म में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू मेथड का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग मेथड का नेम देंगे जय अंडरस्कोर और यहाँ पर न्यू, इसके बाद ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा न्यू मेथड ऐड हो चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसको हम लोग क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी विंडो में यहाँ पर आपको न्यू मेथड दिखाई दे रहा होगा जय न्यू नाम से। और इसके बाद हम लोग फॉर्म के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग, और इसके बाद हम लोग उसी मेथड में जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इवेंट में जाएंगे और सबसे नीचे में आएंगे। तो यहाँ पर आपको जय न्यू नाम से यहाँ पर आपको न्यू मेथड मिलेगा, इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पैरामीटर यूज करेंगे, पैरामीटर, उसके बाद जय न्यू जो हमारा मेथड है। तो यहाँ पर हम लोग जय न्यू दे दिए, इसके बाद नीचे आते हैं और इसके बाद यहाँ पर विथ दिस और इंटरफेस करके अगले लाइन में टाइप प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉट टेक्स्ट, उसके बाद नेम। तो यहाँ पर आपको नेम मिलेगा डॉट एनेबल इज इक्वल टू जय न्यू। इसके बाद इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके अगले लाइन में आएंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, फिर से पेस्ट करेंगे और वापस से इस उन सभी को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और उसके बाद अगले लाइन में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ये जो टेक्स्ट नेम है, टेक्स्ट नेम के जगह पर हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट फादर करेंगे। इसके बाद टेक्स्ट मदर, इसके बाद अगले में टेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद अगले में एज, उसके बाद अगले में जेंडर, इसके बाद अगले में क्लास। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी फील्ड हैं उन सभी का यहाँ पर एनेबल करना होगा। तो अगले में हम लोग रोल, इसके बाद अगला में एड्रेस। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सभी फील्ड का हो चुका है। तो यहाँ पर एंड में, यहाँ पर हम लोग एंड विथ कर देंगे। इसके बाद इस फॉर्म के अगले इवेंट में जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इवेंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग इनिट में जाएंगे। तो यहाँ पर है इनिट, इसमें जाएंगे और इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे गो टू बॉटम एंटर। इसके बाद दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश, इसके बाद दिस फॉर्म डॉट टेक्स्ट नेम डॉट सेट फोकस, इसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे और इसके बाद अगले हम लोग इवेंट में जाएंगे। तो यहां से हम लोग अगले इवेंट में जाएंगे। तो अगला इवेंट हमारा रहेगा रिलीज। तो रिलीज में हम लोग यहां पर कोडिंग करेंगे। तो यहां पर रिलीज इवेंट में हम लोग यूज करेंगे एडमिशन टेबल को। तो यहां पर हम लोग यूज एडमिशन एंटर, उसके बाद पैक करेंगे और उसके बाद वापस से यू, और इसको हम लोग कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर में आएंगे और मोबाइल नंबर में हम लोग जो हमारा वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर हम लोग ने जो दिए थे 10 times 9, इसको हम लोग कट करेंगे कंट्रोल एक्स और उसके बाद इनपुट मास्क में जाएंगे और इसमें हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल भी कर दिए
और इसके बाद यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट जेंडर में आएंगे और इसमें डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद इसके लॉस्ट फोकस इवेंट में जाएंगे। तो यहाँ पर जो है लॉस्ट फोकस इवेंट है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे इफ ऑल ट्रिम ब्रैकेट अपर ब्रैकेट ओपन दिस डॉट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज अगेन क्लोज और उसके बाद इक्वल इक्वल और डबल कोट में लिखेंगे एम डबल कोट क्लोज और उसके बाद एंटर और उसके बाद अगले लाइन में हम लोग यहाँ पर दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट में मेल डबल कोट क्लोज इसके बाद अगले लाइन में और यहाँ पर हम लोग इल्स और इसके बाद अगले लाइन में आएंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे इफ वापस से इफ ऑल ट्रिम ब्रैकेट ओपन अपर ब्रैकेट फिर से ओपन दिस डॉट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज अगेन क्लोज इक्वल इक्वल डबल कोट में एफ डबल कोट क्लोज अगले लाइन में आएंगे और यहाँ पर हम लोग दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट में फीमेल डबल कोट क्लोज अगले लाइन में और इसके बाद टू टाइम्स एंड इफ करेंगे। इसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्लू। इसके बाद ग्रिड में जाएंगे और ग्रिड में हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद इसके इवेंट में जाएंगे और यहां से हम लोग आफ्टर रो कॉलम चेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम लोग कमांड लिखेंगे दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश और इसके बाद इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्लू। और इसके बाद ओ एल बी फोटो में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग गॉड फोकस इवेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग गॉड फोकस इवेंट में कमांड लिखेंगे मॉडिफाई जनरल उसके बाद टेबल का नाम तो एडमिशन डॉट फोटो और एन एन ब्रैकेट ओपन डी बी एफ फाइल नेम ब्रैकेट क्लोज डॉट ब्रैकेट ओपन फील्ड नेम ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। तो दोस्तों यहां पर जो है हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इन दो कमांड बटन में कोडिंग करेंगे और उसके बाद यहां पर कॉम्बो वन में करेंगे उसके बाद टेक्स्ट वन में और यहां पर टेक्स्ट टू में भी करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इस क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।